नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट स्पार्क। इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं इस वीक के। 21 अगस्त से 27 अगस्त के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द साउथ पोल ऑफ मून। ऑप्शन ए रशिया, बी इंडिया, सी यूएसए और डी चाइना। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंडिया। डिटेल में देखते हैं, क्रिएटिंग हिस्ट्री, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लैंड अ लैंडर ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। रिसेंटली विक्रम लैंडर हैज लैंडेड नियर द साउथ पोल ऑफ द मून। With the successful landing of Chandrayaan 3, India has become the fourth country in the world to make a soft landing on the moon. America, China, former Soviet Union, now Russia have been successful in soft landing on the moon. Now India has also joined this list. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो। ऑप्शन ए एस सोमनाथ, बी एस उन्नीकृष्णन नायर, सी एम शंकरन और डी पी वीरा मुथुवल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी पी वीरा मुथुवल। डिटेल में देखते हैं, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन इज पी वीरा मुथुवल। ही टुक ओवर एज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 इन द ईयर 2019। प्रायर टू दिस ही हैज सर्व्ड एज डिप्टी डायरेक्टर इन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफिस ऑफ इसरो। पी वीरा मुथुवल हैड अर्लियर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चंद्रयान 2 मिशन। चंद्रयान 2 मिशन, ही हेल्ड फ्रॉम विलुपुरम तमिलनाडु एंड हैज स्टडीड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिक्स हैज रिसेंटली इनवाइटेड हाउ मेनी न्यू कंट्रीज टू ज्वाइन द ग्रुप। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। द राइट आंसर इज सी 6। डिटेल में देखते हैं, वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं। द ग्रुप ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज हैज इनवाइटेड 6 न्यू कंट्रीज टू ज्वाइन द ग्रुप। दीज न्यू कंट्रीज इंक्लूड अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। इसमें से जो शुरू की 3 कंट्रीज हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हैं, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया। अर्जेंटीना जो है ये साउथ अमेरिका से है, इजिप्ट और इथियोपिया ये अफ्रीका से है, और ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरेट्स ये मिडल ईस्ट एशिया से हैं। सिग्निफिकेंटली दिस टाइम द ब्रिक्स समिट हैज बीन होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका। द न्यू मेंबरशिप विल बी इफेक्टिव फ्रॉम January 1, 2024। ब्रिक्स करंटली इंक्लूड्स इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ चेस वर्ल्ड कप 2023। ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद, बी लिवोन अरोनियन, सी मैग्नस कार्लसन और डी आर प्रगनानंदा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन। डिटेल में देखते हैं, मैग्नस कार्लसन, नॉर्वियन चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन हैज वॉन द 5 वर्ल्ड कप टाइटल, हिज फर्स्ट टाइटल इन द फाइनल मैच। कार्लसन डिफीटेड इंडियाज यंग चेस प्लेयर रमेश बाबू प्रगनानंदा। मैग्नस कार्लसन हैज ऑल्सो वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप 5 टाइम्स। इंडियाज विश्वनाथन आनंद एंड लिवोन ओरोनियन
लिवॉन एरोनियन हैव वॉन द फाइट वर्ल्ड कप टाइटल टू टू टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स. ऑप्शन ए सरदार उधम सिंह, बी रॉक ट्री, सी द कश्मीर फाइल्स और डी गंगूबाई काठियावाड़ी. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रॉक ट्री. डिटेल में देखते हैं, द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड. द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड वेंट टू आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी एंड कृति सोनन मिमी, एंड द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड वॉज गिवन टू रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट, आर मधावन. बेस्ट एक्टर अवार्ड वॉज गिवन टू अल्लू अर्जुन फॉर द फिल्म पुष्पा. द फिल्म ट्रिपल आर वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स, बेस्ट कोरियोग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु लॉन्च्ड द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP. ऑप्शन ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी नितिन गडकरी और डी स्मृति ईरानी. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नितिन गडकरी. डिटेल में देखते हैं, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च्ड द इंडिया न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम इंडिया NCAP इन न्यू दिल्ली, विच एम्स टू एनहेंस रोड सेफ्टी बाय रेजिंग व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल्स अप टू 3.5 टन्स इन इंडिया. दिस असेसमेंट प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 एंड विल बी बेस्ड ऑन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड AIS 197. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज ऑनर्ड विद द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. हु वॉज ऑनर्ड विद द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड. ऑप्शन ए रतन टाटा, बी मुकेश अंबानी, सी गौतम अडानी और डी अदर पूनावाला. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए रतन टाटा. डिटेल में देखते हैं, रिनोन्ड इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा वॉज ऑनर्ड विद द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड अजीत पवार वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन. इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 and 2022, the combined revenue of Tata companies was $128 billion. Next question, question number 8, who has been appointed as the managing director and chief executive officer of South Indian Bank? Option A अनूप पूनावाला, बी अजय सिन्हा, सी रमेश पुरी और डी PR शेषाद्री. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी PR शेषाद्री. डिटेल में देखते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ PR शेषाद्री एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ केरला बेस्ड साउथ इंडियन बैंक. This appointment will be for a period of 3 years from October 1. Seshadri is a graduate in electrical engineering from Delhi College of Engineering and holds a postgraduate diploma in management from Indian Institute of Management, Bangalore. Next question, question number 9. Who has been selected as the national icon by the Election Commission of India? Option A Virat Kohli, B Kapil Dev, C Sachin Tendulkar or D
सौरभ गांगुली। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। डिटेल में देखते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड इंडियाज लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एज अ नेशनल आइकॉन टू एनकरेज ग्रेटर वोटर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। एन MOU वॉज साइंड विद तेंदुलकर इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। लास्ट ईयर द कमीशन हैड रिकॉग्नाइज्ड एक्टर पंकज त्रिपाठी एज अ नेशनल आइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन ए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, बी जस्टिस उमेश सिन्हा, सी जस्टिस रमेश कुमार सिंह और डी जस्टिस दीपक कुमार मिश्रा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। डिटेल में देखते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द कोलकाता हाई कोर्ट जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव has been appointed as the chairperson of the National Green Tribunal NGT, replacing Justice A.K. Goyal. The National Green Tribunal has been constituted for speedy and effective adjudication of matters relating to environmental protection. It was formed in the year of 2010. Its headquarters is located in New Delhi. तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे न्यू डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।